नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट में मैं हूं आपका फैंटेसी हो सुरक्षित और इस वीडियो में हम प्रिव्यू करेंगे फ्रांस वर्सेस बेल्जियम इन यूरो 2024 ट्वेंटी so सो दोस्तों एक और ब्लॉक बस्टर यूरो ट्वेंटी राउंड ऑफ राउंड ऑफ है बिटवीन फ्रांस एंड बेल्जियम ऑन पेपर फ्रांस आर द फेवरेट टू विन दिस मैच दे हैव प्लेज लाइक एम्बापेस एंड टू एनक्रेजमेट एंगोलो कांटे हैज़ बीन इन वेरी वेरी गुड फॉर्म थोड़ा अभी तक उन्होंने अंडरवेलम किया है इन दिस टूर्नामेंट बिकॉज अभी तक उन्होंने ओपन प्ले से एक भी गोल स्कोर नहीं किया है बट आई थिंक मुझे लगता है फ्रांस जैसी एक्सपीरियंस चैम्पियन टीम जो ऑफकोर्स लूजिंग फाइनलिस्ट थी इन द ट्वेंटी ट्वेंटी टू फीफा वर्ल्ड कप विल शाइन एट द राइट टाइम अगर बात करें बेल्जियम की ये काफ़ी इम परफेक्ट रहे हैं दम सेल्फ बिकॉज दे आर अ टीम जिन्होंने बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस पोर्टिंग करे हैं अपने ग्रुप में ये लोग सेकंड फिनिश करे आफ्टर रोमेनिया और इनका ग्रुप वाज प्रीटी इजी स्लोवाकिया रोमानिया एंड यूक्रेन सो काफी एक्सपेक्टेशन थी कि बेल्जियम इन फिनिश फर्स्ट बट केविन डिब्रॉयना अगर नहीं होते तो आई थिंक बेल्जियम शायद क्वालिफाई भी नहीं करती नेक्स्ट राउंड के लिए सो so, मुझे लगता है एक बहुत ही टफ इनका टेस्ट होने वाला है अगेंस्ट दिस फ्रेंच टीम सो मेरे प्रडिक्शन की बात करें आई थिंक समथिंग लाइक अ टू वन और टू निल विन फॉर फ्रांस इज माई प्रोडिक्शन बेल्जियम वो tools करती है जो हर्ट कर सकते हैं है फ्रांस के पास बहुत अटैकिंग टूल्स हैं जो इस वेरी स्लो बेल्जियम बैकलाइन को हर्ट कर सकते हैं सो so दोस्तों बिफोर वी गो टू दैंटेसी कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा कि फैंटेसी अखाड़ा ने स्पॉन्सर किया है वीडियो फैटेसी अखाड़ा दोस्तों एक फैंटे स्पोर्ट्स एप है जहां पर आपको मिलेगा लोएस्ट कमिशन एज कम्पेयर टू ऑल Other खेलेगा पे फ्रांस इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है, है? खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाइएस्ट अर्निंग क्या होती है चल दो अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो बात करते हैं दोस्तों अबाउट द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच दिस इज द टीम आई एम गोइंग फॉर गोलकीपर मैंने पिक किया है तिम कास्टील्स uh, जो बेसिकली कीपर हैं इस बेल्जियम uh, टीम के एंड आई एक्सपेक्ट की ज्यादा बिजी होंगे एज कम्पेयर टू द फ्रेंच कीपर ऑल दो माइक मैगनान को भी काफी इंपॉर्टेंट सेव्स करने पड़े हैं इन दिस टूर्नामेंट सो फार मुझे लगता है कास्टील्स इज इज द कीपर जो मुझे लगता है डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं और बैक लाइन में आई हैव गॉन फॉर थ्री ऑप्शन थियो हर्नाडेस जूल्स कुंडे एंड विलियम सालिबा ये तीनों

मिडफील्ड uh, बात करते हैं यहाँ पे आई हैव गॉन फॉर आंटवान ग्रीजमैन ऑब्वियसली लास्ट मैच में स्टार्ट नहीं किया था बट ये क्रिएटिव हब है इस फ्रेंच टीम के एनगोलो कांटे को पिक किया है टैकल इंटरसेप्शन वाइज कोई आसपास भी नहीं है इस फ्रेंच टीम में एंड ही संबंध जो वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं हंड्रेड परसेंट रिकमेंड करूंगा केवन डेब्रॉयना के बिना यह टीम मत बनाना बिकॉज अगर बेल्जियम uh, के पास एक परसेंट चांस भी है दोस्तों टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड देन केवन डेब्रॉयना विल हैव टू स्टेप अप ये सब कुछ करते हैं इस टीम के लिए कॉर्नर्स फ्री किक्स क्रिएटिविटी शॉर्ट्स एवरी थिंग क्या विन सच एन इंपॉर्टेंट प्लेयर एक और मैंने पॉइंट लिया है इस अमडो ओनाना मुझे लगता है काफ़ी डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं आपकी टीम के लिए ऊनाना इस संबंध जो इस मैच में थोड़ा और एडवांस रोल भी खेल सकते हैं बिकॉज उनके साथ मांगाला खेलेंगे तो ओनाना मुझे लगता है डिफेंसिवली कु अ डिसेंट ऑप्शन ना दोस्तों अगर आप अटैक की बात करें यहां पे आई हैव गॉन फॉर लुकाकू ना बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है बहुत चांसेस उन्होंने मिस करी हैं बट आई स्टिल फील दोस्तों कि ही इज संबंध जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकता है आपकी टीम के लिए बिकॉज चांसेस इनको जरूर मिलेंगी केविन डेबरा क्रिएट करेंगे डोकू क्रिएट करेंगे क्रिएट uh, करेंगे और अगर लुकाकू के स्कोरिंग बूट्स ऑन है ही कैन गेट ऑन द स्कोर शीट के किलेन एबापे ऑब्वियसली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैकर फॉर दिस फ्रेंच टीम एंड आई थिंक अगर बेल्जियम वंस अगेन एसेडे डिफेंडिंग करती है जैसे उन्होंने सोफार इन दिस टूर्नामेंट करी है देन एम्बापे कुड एब्सोल्युटली रन राइट एंड एक और मैंने पॉइंट लिया है इज मार्कस थूराम क्योंकि बेल्जियम के डिफेंस को बहुत रेट नहीं करता हूँ थूराम कुड भी दबन दोस्तों जो आपकी टीम में काफ़ी अच्छे डिफरेंशियल हो सकते हैं बात करते हैं अब कैप्टेंसी की दीज आर माई टॉप कैप्टेंसी पिक्स नंबर वन इस एम्बापे जैसे मैंने आपको बोला ही इस संबंध जो ऑल द टूल्स प्रोजेस करते हैं इस बेल्जियम बैकलाइन को होल्ड करने के लिए फाइनली uh, इन्होंने अपना फर्स्ट एवर यूरो गोल स्कोर किया ऑन पेनल्टीज एज वेल मुझे लगता है कि एक स्लो बेल्जियम बैकलाइन के अगेंस्ट ही कुड बी अ ब्रिलियंट ऑप्शन उसके बाद मैंने पिक किया है एंड वन ग्रीजमैन को यू कैन नेवर गो रॉन्ग दोस्तों विद अ एम्बापे ग्रीजमैन कॉम्बिनेशन फॉर सी बी सी बिकॉज ग्रीजमैन बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी ऑफर करते हैं इस फ्रेंच टीम को एंड अ गुड गोल स्कोर हिमसेल्फ एज वेल है

दिस बेल्जियम टीम इज द स्टैंड आउट प्लेयर बिकॉज ही डज एब्सोटली एवरीथिंग एंड एक्चुअली बहुत लोग केवन डबराना को सी वी सी करके आएंगे इन दिस मैच रिगार्डलेस ऑफ द फैक की बेल्जियम क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी अ कपल ऑफ जी एल पिक्स तो मुझे काफ़ी पसंद है थियाटे जो बेल्जियम के लेफ्ट बैक खेलेंगे और मुझे लगता है इस संबंध स्पेशली अगर उस्मान डेबेले खेलते हैं इनके अगेंस्ट आपको काफ़ी डीसेंट डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकते हैं गुड पासर ऑफ़ द बॉल इज वेल एंड रैबियो इस संबंध जिनके परफॉर्मेंसेज हैबीन डीसेंट ना बहुत ज़्यादा एक क्लियर फैटेसी पोटेंशियल ऑफर नहीं करते हैं बट कभी कभार ही डेट इन टू गुड गोल्स स्कोरिंग पोजिशन स्पेशली फ्राम इन योर जी एल टीम फ्रांस वर्सिस बेल्जियम इन यूरो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आपको अगर पसंद आया वीडियो मेक शोर यू हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब करेगा व्यू स्पोर्टको एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड इज वेल थैंक यू सो मच वॉचिंग विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच स्टे से